देखिए जहां पर हम ना टेंट लगा रहे हैं, और ये हमारा वर्क स्टेशन, लैपटॉप रखा यहाँ। वाह भाई, अरे दिल को छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं छतरी पर। देखिए हम अपना टेंट यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो हमने गाड़ी पार्क कर ली है, लकीली हमको एक जगह मिल गई है। अगर हमें कल ही पता होता हम कल ही यहाँ आ जाते हैं। हाँ। एग्जैक्टली exactly. तो यहाँ पर अच्छा इसके शॉर्ट, अच्छा ये कोहरा आता है यहाँ पर, यहाँ पर भी आता है। ठीक है तो फ्रेंड हम यहाँ लगाने वाले हैं टेंट। देखिए बरसात से बचने के लिए वो भी है यहाँ पर, एंड आज हम थोड़े से अपना वो स्ट्रेच कर लेंगे इसके। ठीक है चलिए यहाँ अंदर अपना टेंट सेटअप करते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए जहाँ पर हम अपना टेंट लगा रहे हैं, और ये हमारा वर्क स्टेशन, लैपटॉप रखा यहाँ। गाइस मौसम बिल्कुल यहाँ पर ऐसा हो रखा है, ये सीट संभालते बैठ के, लैपटॉप। वाह भाई, अरे दिल को छोड़ दिया। गाइस ये देखिए, वाह बिल्कुल मौसम बिल्कुल अभी बिल्कुल बंद है। देखिए इस तरह का व्यू है जहाँ हमने अपना अभी टेंट सेटअप किया। इस तरह का व्यू बहुत ही प्लेजेंट हो रखा है इस टाइम, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर हमने अपना टेंट सेटअप किया हुआ, देख लीजिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इनफैक्ट जब हम कल सुबह पहुँचे थे तो हमने तो कल एक टेम्प्रेरी जगह ले लिया था, लेकिन वो भी बहुत अमेजिंग थी। टेंट सेटअप देखिए हमारा, पहले यहाँ से व्यू देखिए आराम से। ये हमारे यहाँ से व्यू है, थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, पीछे म्यूजिक चला रखा है। ये है ऐसा कुछ है। तो यहाँ अभी हमारा लंच हुआ नहीं है। ये देखिए ये भाई शर्मा रहा वीडियो बनाने में। अरे आ जाए था, अरे आना। ये तुम्हार छे क्या? तुम्हारा ये खच्चर ला है बल्द? ये अच्छा किसू बल्द एक का है दोहर का? चोर दोहर नहीं आल दोहर ब्यावल। अरे कहते अलग अलग जानी के चरा है यहाँ पर पर कुछ आओ गए चलो ठीक से चल। अपना नाम तो बता दे कम से कम। हर तेज बोला
हरू हरी नाम हो सीधे हरी सुन स्कूल के नाम सु हरविंदर हरविंदर पंजाबी नाम के लिए धारो रे हरविंदर पंजाबी नाम नहीं होना क्या सो फ्रेंड्स गांव के बच्चे से थोड़ा बातचीत करने के बाद यहाँ पर देखिए मौसम जो ऐसे एकदम से खुल रहा है और एकदम से बंद हो रहा है। यहाँ पर टेंट लगा हुआ है हमने और यहाँ से हमारा व्यू एग्जैक्टली मैं हर बार जैसे ही मैं कैप्चर करने के लिए आता हूँ वैसे ही कवर हो जाता है, तो इस बार लकीली मुझे मिल गया चांस। तो इस तरीके का कुछ लोकेशन है हमारी, देखिए आपको इस तरीके का व्यू मिलता है यहाँ से। This is the view. खिलाओ बहन को भी, खिलाओ बिस्किट, सबको खिलाओ। इधर जाओ, इधर जाओ। गांव में इसको आग जलाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये देखें ऐसे ऐसे आग जलाने की ट्रिक होती है, जब आप नीचे करेंगे इसको एयर पकड़ता है तब ये आग से पकड़ेगा। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसमें इसको डिप कर देंगे थोड़ी देर में। ये गाइस एक तरह से ये एक पेट्रोलियम है, पेट्रोल है। आप इसको कई जगह केमिकल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो आप देखेंगे कि इसको वैसे इसको जो गम को कहा जाता है इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, जो कुमाऊनी लैंग्वेज है उसमें मैंने सुना था लेस कहते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गम होता है जिसके बहुत सारे जो जितने भी अपने एडहेसिव है वो बनते हैं, मैच स्टिक्स तक इससे बनती है। हाँ, मैच स्टिक इसके जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके अलग भी बनते हैं, बहुत सारे पॉपुलर्स वगैरह के पेड़ होते हैं जो उनसे बनती है मैच स्टिक कई बार, लेकिन इसी से ये भी बनाए जाते हैं। तो हम आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, तो पकड़ पत्ती लकड़ी नीचे से डाल दी हमने और थोड़ा धुआं लगेगा इनसे, कोई नहीं, लेकिन जैसे ही आग पकड़ेगा वैसे ही फिर वो सही हो जाएगा। तो ये हमारे प्याज पौधे को बहुत ही सही तरीके से हो गया, लहसुन भी हमारा आज उसमें रेडी हो चुका, बहुत बढ़िया। टमाटर डाला जाए, अब टमाटर की बारी आ रही है। कैसे कैसे डालें, धुआं लग रहा है, तो टमाटर डालते हैं इसमें अब। धुआं लग रहा है बहुत तेज, बहुत तेज धुआं लग रहा है क्योंकि लकड़ियां गीली है हमारी, इस वजह से धुआं लग रहा है काफी ज्यादा। हम जैसे बस एक बार ये है कि इसमें एक बार डल जाए फिर उसके बाद एक थोड़ा सा ऊपर इसके रखने के लिए तो साफ पत्थर या फिर प्लेट रखी जाएगी, प्लेट देखेंगे क्या रखना है। तो यहाँ पर अब इसके ऊपर करीब दो टमाटर हमने डाले इसके अंदर, दो टमाटर ज्यादा क्योंकि इसमें ज्यादा आएगा नहीं, चिकन ज्यादा बन नहीं पाएगा, तो इस वजह से हम थोड़ा सा इसमें चिकन जा सकता आधा किलो पाएगा, है ना, आधा किलो या फिर 45 450 ग्राम, हाँ 750, ओके 750 ग्राम आ पाएगा। तो आप सीधा डाल दीजिए मिर्ची भी साथ में भी, क्योंकि अब नमक नहीं पहले इसको, अच्छा चलो ठीक है पहले इसके पहले नमक डालेंगे तब डालेंगे मिर्ची वाली, ये सबका अपना अपना बनाने का तरीका है। देखिए अब ये रहना पड़ेगा उसको, यहाँ पर टमाटर आप ले आओ नमक ले आओ ठीक है, पकड़ रहे नीचे अदरवाइज फटाफट डाल दो इसको,
सो फ्रेंड्स, फाइनली दी मच अवेटेड मोमेंट जिसका हम काफ़ी देर से, अब पहले तो इस सिचुएशन को इमेजिन कर रहे थे कल परसों तक कि कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन एक बहुत ही वंडरफुल लोकेशन मिल चुकी है, बहुत ही ब्यूटीफुल। सोचा नहीं था कि इस तरह की लोकेशन मिल जाएगी। तो अब इसको निकाल रहे हैं हम चिकन को, क्योंकि काफ़ी देर से रखा हुआ है हमने एंड बिल्कुल पक के रेडी हो चुका है वो। सो फ्रेंड्स, बन चुका है हमारा हांडी चिकन आफ्टर ऑलमोस्ट 2 आवर्स वेट। तो अब भाई गजब, बहुत ही यार टेंडर लग रहा देखने में, तो बहुत कैसा होता है एक बार निकालते हैं। ठीक है, निकालिए इसको चूल्हे से। अब बाय कपिल बेस्ट एंड हिमांशु भट्ट, काफी टाइम से वेट कर रहे थे गाइस। वाह, आप इसका कलर देखिए, इतना सारा निकल के ठंडा हो जाएगा। बाकी तो है उसमें, है अभी ठीक है, उसको ढक के रख दो उसमें। आप ढक जाओगे, ठंडा हो जाएगा बाहर, वहाँ पर बहुत तेज हवा चल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा निकाल दिया उन्होंने भी, तो कुछ पीसीज रख देते हैं वापस, क्योंकि घर वहाँ पर, तो वहाँ पर खाएंगे इसको साइड में लगा के। ठीक है, इतना काफ़ी। ये देखिए गाइस, वाह, तो मैं टॉर्च जलाता हूँ, अब इसका कलर देखिए, वाह वाह, दिस इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। वाह, ओ माई गॉड, देखिए किस तरीके से दिखाई दे रही है हांडी चिकन। हांडी चिकन इन उत्तराखंड इन हिल्स, इज देयर एनीथिंग वी कैन विश? दिस इज अमेजिंग गाइस, लेट्स टेस्ट इट नाउ। मोमेंट ऑफ ट्रुथ, इट्स सो टेंडर, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ईटिंग हांडी चिकन। ऐसे पहले बिरयानी खाई है, लेकिन जिसमें ब्लेंड सा, जो क्या बोलते हैं उसको, ब्लेंड, हाँ ब्लेंड एंड अलग टेस्ट, यूनिक टेस्ट है। एक जो टेस्ट आ रहा है ना, अलग सा बर्निंग सा कुछ होता है, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा गोल का जैसे कुछ, भूल गया उसको मैं, बहुत ही अमेजिंग। ग्रिल्ड, नहीं ग्रिल्ड नॉट द वर्ड, टाइट वर्ड, कोल्ड। How is it? So guys, मेरे पास explain करने के लिए word नहीं है, जैसा taste कर रहा है amazing, आप taste कीजिए। देखने में इतना इतना beautiful, अब मुझे लग रहा है इसकी quantity बढ़ा देनी चाहिए थी। ये देखिए tender कितना है, wow, ये देखिए, यहाँ का चिकन थोड़ा हार्ड होता है, देखिए इतनी देर पकाने के बावजूद भी ये हार्ड हो रहा है अभी तक। नहीं हार्ड नहीं है, मतलब दिस इज लवली, अमेजिंग, अमेजिंग गाइस। चलिए, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पर आके, आपने देखा है हमने आपको क्या इस तरीके के जो व्यूज हैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी, एंड अब हम इसको खाएंगे एंड देन फिर यहाँ से फिर रेस्ट करेंगे, फिर अभी डिनर की भी तैयारी करनी है। एंड तो फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, इनफैक्ट जो हमको ये लोकेशन मिली है कैंपिंग के लिए, बहुत ही अमेजिंग। चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को फिर यहीं एंड करते हैं एंड आप सभी से हम मिलते हैं कल सुबह। कल हमने सोचा हम यहीं रुकेंगे और देखेंगे हम दिन में कहाँ जा सकते हैं ट्रैक के लिए, तो ये प्लान है। यस गाइस, चलिए आपसे मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो
एंड अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो डेफिनेटली मैं फिर और वीडियोस बनाऊंगा इस तरीके के, स्पेशली जो खाने के ऊपर है। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स कल आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।